कीन दिए राजा जी कुरुती काला रंग के। क्या बात है, आप तो सिंगर भी हो सकते हैं। आपने हमेशा अच्छा गाया है और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने बड़ा नाम बनाया है। कल अगर आपने कभी भी गलत गाना गाया तो हम लोग आज जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपका जम के विरोध भी करेंगे। मैं किशन कुमार हूँ, आज गोपालगंज में मौजूद है और पीछे आप एक बड़ा सा पोस्टर देख रहे होंगे। ये पोस्टर एक एल्बम का है जिस एल्बम में आवाज दिए हैं अवनीश बाबू, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, बड़े सम्मानित कलाकार हैं और गाना भी इस बार काफी साफ सुथरा गा दिए हैं हमेशा की तरह। साथ में शिल्पी राज हैं तो गाना हिट होना तय है, जाहिर सी बात है। यहाँ उस एल्बम की अभिनेत्री भी मौजूद है, नाम है शिवानी सिंह। आप देख रहे होंगे गोपालगंज में यह गाना लॉन्च हुआ है। सीधी बात करते हैं अवनीश बाबू से, चलेंगे शिवानी सिंह तक। साथ में प्रोड्यूसर साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत होगी। सबसे पहले ये बताइए, गोपालगंज में गाने को लॉन्च करने की प्लानिंग क्यों की है? पटना, दिल्ली, लखनऊ भी हो सकता था, उससे पहले तो नज़दीक था। और यहाँ का जो माहौल है, पहले भी मैं एक बार आया हूँ, काफ़ी एनर्जी रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इधर के भी जो कलाकार हैं उनको मोटिवेट किया जाए, प्रमोट किया जाए और अपना एक छोटा सा ही सही एक इंडस्ट्री इधर भी बनाया जाए जिससे काम हो। मतलब कहीं ना कहीं इधर भी एक इंडस्ट्री बनाने की तैयारी में लगा? हाँ बिल्कुल, हर जगह होना चाहिए जिससे लोकल, जैसे मोदी जी का भी लोकल टू वोकल। लोग तो जानना चाहते हैं कि अवनीश बाबू कहाँ के रहने वाले? अवनीश बाबू देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या बात है, यूपी का लाल गोपालगंज में आज कर रहा कमाल। मेरे साथ मैडम भी मौजूद हैं शिवानी सिंह जी, आपसे भी बातचीत करते हैं। आज गोपालगंज में गाने की लॉन्चिंग हुई है जिसमें आपने अभिनय किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि पहले मैंने इनके गाने सुने थे, एक गाना वायरल हुआ था तब मैं इस लाइन से नहीं थी। कई गाने वायरल? हाँ बहुत सारे, लेकिन मैं इस लाइन से नहीं थी तो मुझे ये नहीं पता था कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है, ये गाना सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। किन के साथ काम कर चुके? मैं काम कर चुकी हूँ पवन सिंह के साथ और चिंटू पांडे के साथ, प्रमोद प्रेमी, मोनू अलवेला, ऐसे काफ़ी स्टार जी के साथ। कब आई जी? नवरात्रि में, अभी नवरात्रि का एक मेरा देवी गीत हुआ था पवन जी के साथ। इस गाने में ऐसा क्या लगा, आप तो बड़े बड़े स्टारों के साथ भी काम कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं पवन जी को बड़ा मानते हैं, अवनीश जी तो बड़ा भाई मानते हैं, तो छोटे भाई के साथ काम करने के लिए क्या सोचकर काम की? गाना अच्छा लगता है इनका मुझे और मैं आगे भी काम करूंगी इनके साथ, क्योंकि इनके गाने साफ सुथरे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे पवन जी के गाने अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसे इनके भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। भोजपुरी में तमाम कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि बगल में खड़े हैं तो इन्हीं का नाम ले लीजिएगा। भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, आपका कोई फेवरेट सिंगर भोजपुरी में? जैसे कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं और खेसारी लाल भी, और फिर ये सारे अच्छा ही गाते, मतलब इनको भी जुड़ी ली। हाँ। जी सारे ही अच्छा गाते हैं भोजपुरी। सर आप इस गाने के प्रोड्यूसर हैं, बड़ी चर्चा है इस गाने की, सरगम म्यूजिक ऑफिशियल पर यह गाना रिलीज हुआ है, अवनीश बाबू को ही क्यों लेकर आप काम किए, बहुत सिंगर हैं इंडस्ट्री में? देखिए रीजन क्या है कि इनके गाने जो भी लिरिक्स होते हैं चाहे कंपोजिशन होते, कुछ ना कुछ भोजपुरी से अलग होता है। मैडम लोग जानना चाहेंगे कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से जी। आप तो हिंदी में भी जा सकती थी, आपका लुक हिंदी वाला है, भोजपुरी में क्यों? हाँ तो मैं हिंदी भी करती हूँ, दोनों करती हूँ। भोजपुरी से ज्यादा प्यार? हाँ भोजपुरी। दो लाइन भोजपुरी में हो जाओ कि भोजपुरी में जो आजकल चल रहा बा ओकरा में ई गाना जोन जे बा कुर्ता काला रंग के, इन दिए राजा जी कुरुती काला रंग के। आए है, काला पहन भी लिए? जी मैं इसीलिए काला पहन के आई हूँ। क्या बात, एक लाइन गुनगुना दीजिए इस गाने। कीन दिए राजा जी कुरुती काला रंग के। क्या बात है, आप तो सिंगर भी हो सकती थी। चलिए भोजपुरी में अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग अच्छे गानों को ज्यादा देखें, सुने, उन्हें ज्यादा प्रमोट करें, नहीं तो फिर वही बनेगा जो आप सब चाहते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से लगेगा दाग और दागदार होती जाएगी भोजपुरी इंडस्ट्री। तो ऐसे प्रोड्यूसर को ढेर सारा धन्यवाद है कि आपने अच्छे गाने पर रिस्क लिया, भोजपुरी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और अच्छे कलाकार को आपने चुन के गवाया भी। सर जितने चैनल वाले हैं, जितने कंपनी के लोग हैं, अच्छा गाना बनाते हैं तो हम लोग सपोर्ट भी करते हैं और गलत बनाते हैं तो विरोध भी करते हैं। कल आप गलत गाना अगर बनाए तो हम लोग जम के विरोध भी करेंगे, तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो चलिए ये कलाकार भी मेरे साथ थे, आपने हमेशा अच्छा गाया है और भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने बड़ा नाम बनाया है। कल अगर आपने कभी भी गलत गाना गाया तो हम लोग आज जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपका जम के विरोध भी करेंगे। आपका पूरा हक है, आप लोग गार्जियन की तरह हैं, मार्गदर्शक हैं, तो हम लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं, कहीं त्रुटि होगा तो आप बोल सकते हैं गार्जियन की तरह। तो चलिए बाकी दर्शक मालिक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा, हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब आगे आपकी बारी है। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।